नमस्कार, आप देख रहे हैं जुनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में लोगों को खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए लोग अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि डायबिटीज जैसी बीमारी लोगों को न्योता दे रही है। आपको बता दें कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि उम्र देख कर नहीं आती, ये किसी भी उम्र के लोगों को हो जाती है, बच्चे हो या बूढ़े, किसी को भी ये हो सकती है। दरअसल डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर लेवल जो है वो कभी भी घटने लगता है तो कभी बढ़ने लग जाता है। इसलिए डायबिटीज से लोगों को अपने खान पान पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसे में क्या खाए क्या ना खाए, इसमें ही व्यक्ति उलझ कर रह जाता है। ऐसे में खान पान की ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं, साथ ही साथ वो आपकी लाइफस्टाइल को भी ठीक कर देती है। इन्हीं में से एक है तेजपत्ता। जी हाँ, तेजपत्ता एक ऐसा मसाला है जो हर भारतीय रसोई में आराम से मिल जाता है। आपको बता दें कि तेजपत्ता में विटामिन ए, सी, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो इसको हेल्दी बनाते हैं। तेजपत्ते में एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जिसके चलते ये पत्ते फंगल इन्फेक्शन को भी दूर कर देते हैं। इन पत्तों के सेवन से खास तौर से डायबिटीज से आपको छुटकारा मिल सकता है। तेजपत्ते के फायदे डायबिटीज तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये बॉडी को और भी कई फायदे देते हैं। तेजपत्ता खाने पर शरीर को विटामिन ए की अच्छी मात्रा मिलती है जो आंखों की रोशनी बढ़ाने और स्किन की और सेहत को दोनों को अच्छा करने में सहायता देती है। इसके अलावा इन पत्तों को खाने के अलावा इन्हें पीसकर बालों पर भी लगाया जा सकता है या इनके पानी से सिर भी धोया जा सकता है। ऐसा करने से आपको बता दें कि डैंड्रफ की दिक्कत भी दूर हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि किस तरह तेजपत्ते का सेवन कर ब्लड शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि तेजपत्ते का सही तरह से सेवन करने के लिए डायबिटीज के मरीज इसे सब्जी में डाल सकते हैं, सूप में भी डाल सकते हैं या फिर ग्रेवी बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ तेज पत्ते को आप पानी में गर्म कर ले और इसको आप पी भी सकते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। और इसके साथ ही रोजाना 1 से 3 ग्राम तक तेज पत्ते का सेवन कर महीने तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना सिर्फ इंसुलिन को बेहतर करता है बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखने में आपको फ़ायदा देता है। इसमें बता दें कि पॉलीफेनल्स होते हैं जो ग्लूकोज लेवल्स को भी कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।